Hello students, this is Richa ma'am and I am going to take your computer subject today. This video is only for the class 4th students. So class 4, this is your first chapter. This is your new book of your computer. So you all have to buy this book. ये आपकी new book है, आपको यही खरीदनी है. So let's start our new chapter. Our first chapter, that name is peripheral devices of computer. Peripheral devices of computer, that name is this is your first chapter's name. So let's read. A peripheral devices is generally defined as any auxiliary device, or peripheral devices are those devices which are attached to CPU from external or internal sides of CPU, such as mouse and keyboard. Are two main peripherals of computer. Other examples of peripherals are image scanners, tape drivers, microphones, loudspeakers, webcams and digital cameras. Peripheral devices, वो devices होती हैं जो एक ऐसी auxiliary devices होती हैं जो आपके CPU से कुछ इंटरनली और कुछ एक्सटर्नली जुड़ी होती हैं और उसी से वर्क करती हैं. हमारी कुछ ऐसी कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई CPU, कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेस हैं जो CPU से जोड़ी जाती हैं विद द वायर्स, और वो कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ आंतरिक कुछ बाहरी. तो वो डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर्स के CPU से जुड़ी होती हैं. हमारी दो माउस और कीबोर्ड जो है वो टू मेन peripheral devices हैं. दो ऐसी devices हैं जो कि मेन मानी गई हैं, एक है माउस और दूसरी हमारी कीबोर्ड. और भी हमारी peripheral devices है, जैसे कि है image scanners, tape drivers, microphones, loudspeakers, web cameras, digital cameras. These are also our peripheral devices. Now, see here. In this way, three main parts of computer which take place of a peripheral devices are input device, output device and memory device. तीन वे हैं, तीन तरीके से हम main parts of computers के देख सकते हैं जो कि peripheral devices की हैं. Three कौन कौन सी हैं? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है एंड मेमोरी डिवाइस है. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक आवर इनपुट डिवाइसेस. सो लेट्स रीड. इनपुट डिवाइस, इन कंप्यूटिंग एंड इनपुट डिवाइस इज अ peripheral पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डाटा और इंस्ट्रक्शंस टू CPU एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय CU. CU means control unit. Examples: keyboard, mouse, scanners, digital cameras and joysticks, etc. Input devices, ऐसी devices होती हैं, ऐसी peripheral devices होती हैं जो कि CPU को instruct करती हैं, control करती हैं उसके signals को, उनसे control करके इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करती हैं फ्रॉम द CPU कंट्रोल यूनिट से. वो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि ऐसा करती हैं, CPU प्रोवाइड डाटा और इंस्ट्रक्शंस टू CPU, वो हमारे CPU को डाटा इंस्ट्रक्ट करती हैं, देती हैं और कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल करती हैं. कैसे? इंफॉर्मेशन गेन करके. तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं? देयर आर कीबोर्ड्स होती हैं, माउस हैं, स्कैनर्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं एंड जॉयस्टिक्स हैं. ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक कीबोर्ड. कीबोर्ड, अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस यूज्ड विद अ कंप्यूटर दैट लुक्स सिमिलर टू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स. कीबोर्ड एक ऐसा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की तरह दिखता है, और बिल्कुल उसी की तरीके से इसमें कीज होती, बटन्स उसमें, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं उनको हम अपने कीबोर्ड के लेटर्स और नंबर्स को हम देखते हैं.
उन्हें हम कीज कहते हैं, उन्हें हम बटन्स नहीं कहते हैं. ओके, कीबोर्ड्स अलाउ यू टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू अ कंप्यूटर. कीबोर्ड्स आपको अलाउ करता है इनपुट करने के लिए लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स इट मीन्स 1 to 0 और अदर सिंबल्स लाइक प्लस माइनस डिवीजन डॉट्स इन्वर्टेड कॉमास फुल स्टॉप दीज आर सम सिंबल्स और मैनी अदर्स यू ऑल हैव टू सी इन योर कीबोर्ड. द बटन्स इन कीबोर्ड्स आर कॉल्ड कीज एंड 104 कीज आर प्रेजेंट इन अ कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड में जो ये बटन्स होते हैं आप इनको कीज कहते हैं, आप इन्हें बटन्स नहीं कहेंगे, इन्हें आप कीज कहेंगे. और एक कीबोर्ड में वैसे तो हर कीबोर्ड में अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर्स नंबर ऑफ काउंटिंग बटन्स होते हैं, मतलब एक कीबोर्ड में 101 से 105 तक की कीज होती हैं, लेकिन अभी जो जनरली हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 104 कीज हैं. माउस, अ कंप्यूटर माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस हैंड कंट्रोल दैट डिटेक्ट्स टू डिमेंशनल मोशंस रिलेटिव टू अ सरफेस. इट हैज़ 2 or 3 बटन्स. व्हेन वी मूव माउस कर्सर ऑल्सो मूव टू द डायरेक्शन ऑफ अ माउस. प्रेसिंग कीज इन माउस इज कॉल्ड क्लिक. माउस एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि हैंड से कंट्रोल होती है. हम अपने माउस को ऐसे हाथ से पकड़ के कंट्रोल करते हैं और जब हम अपने माउस को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कर्सर भी हमारा वहाँ वहाँ मूव होता है जहाँ जहाँ हम अपने माउस को मूव करते हैं. और जब हम उस पर क्लिक कर जब हम उस पर प्रेस करते हैं अपने माउस पर तो उस प्रेसिंग थिंग को उस प्रेसिंग चीज को हम क्या बोलते हैं, जब हम प्रेस करते हैं तो उसे क्लिक कहते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक, जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टिक दैट पिवोट्स ऑन अ बेस एंड रिपोज इट्स एंगल और डायरेक्शन टू द डिवाइस इट इज कंट्रोलिंग. Joysticks are often used to control video games and usually have one or more push buttons whose state can also be read by the computer. Joysticks are also used for controlling machines such as crane, trucks, underwater unmanned vehicles, wheelchairs, surveillance cameras and zero turning radius lawn mower. Joystick एक ऐसी स्टिक होती है जो कि हमें वीडियो गेम्स खेलने में हेल्पफुल होती है. Joystick is an input device, ये भी एक input device है और ये एक ऐसी based device होती है जो कि angle और direction में move होती है आपके control में. ये joystick is look like this, ये इस तरह joystick दिखती है. आप अपने हाथ से इसको control करके move करते हैं और ये आपके control में होती है. जिस direction में आप इसको move करना चाहें आप अपने हाथ से move कर सकते हैं. जॉयस्टिक जो होती है वो मोस्टली जो है वो वीडियो गेम्स के लिए यूज़ होती है. इट हैव 1 or 2 more push buttons. एक से ज़्यादा इसमें push buttons होते हैं और ये ऐसे buttons होते हैं जो कि only read by the computer, जो कि सिर्फ और सिर्फ computer ही read कर सकता है. जॉयस्टिक उसके बाद आते हैं ये third वाले point पे. जॉयस्टिक की जैसे ही हमारी कुछ ऐसी कंट्रोलिंग मशीन्स होती हैं जैसे कि क्रेन्स, ट्रक्स, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स, व्हील चेयर्स, सर्वेलेंस कैमरास और जीरो टर्निंग रेडियस लॉन मूवर, ये ऐसी कुछ मशीनें हैं जो कि बिल्कुल जॉयस्टिक की तरह ही होती हैं. वो हमारे हाथ से ही हम उसे मूव करके कंट्रोल करते हैं.
Light pen. A light pen is a computer input device in the form of a light sensitive wand used in conjunction with a computer's CRT display. It allows the user to point to display objects or draw on the screen in a similar way with greater positional accuracy. लाइट पेन एक ऐसी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कि लाइट सेंसिटिव से चलती है और ये कंप्यूटर की CRT डिस्प्ले पे ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइट पेन बिल्कुल पेन की तरह ही होती है, इट इज़ लुक लाइक दिस, इस तरह होती है। और जब हम अपने किसी भी टच पैनल डिवाइस को यूज़ करते हैं तो उसमें लाइट पेन का यूज़ हम कर सकते हैं। हम जिस चीज़ पे उस लाइट पेन से प्रेस करते हैं या उसे ओपन करते हैं या राइट करते हैं तो लाइट पेन उस पे उस टच डिवाइस पे वर्क करती है। यह आपके यूज़र पॉइंट, ये आपको, ये आपके यूज़ में आती है कि पॉइंट पे आप अपने किसी भी चीज़ को उस पर पॉइंट कर सकते हैं और आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं अपनी स्क्रीन पर और कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख भी सकते हैं। लाइट पेन का ये यूज़ होता है। हमारे स्मार्ट क्लासेस में भी हम अपने लाइट पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफिक प्रिंट पोस्टर्स मैगजीन पेजेस एंड सिमिलर सोर्सेज फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। स्कैनर इज़ अ इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि हम हमारी कुछ चीज़ें जो हम स्कैन करना चाहते हैं, चाहे वो इमेज हो, इमेजेस से रिलेटेड हो, इमेज हो या कुछ लिखी हुई चीज़ें हो, वो इमेज और फोटोग्राफिक्स प्रिंट्स पोस्टर्स मैगजीन्स पेजेस मैगजीन के पेजेस हो, ये सब हम इस पर स्कैन कर सकते हैं। इट इज़ लुक लाइक दिस। नाउ माइक्रोफोन आवर नेक्स्ट टॉपिक। माइक्रोफोन इज अ हार्डवेयर पेरिफेरल इन्वेंटेड बाय इमाइल बर्लिनर इन 1877। माइक्रोफोन्स का इन्वेंशन इमाइल बर्लिनर ने 1877 में इसे इन्वेंट किया था। दैट अलाउस कंप्यूटर यूजर्स और इनपुट ऑडियोस। ये माइक्रोफोन्स जो है वो किस लिए यूज़ होता है? हमारे डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करने के, हाँ, ये हमारी ऑडियो को, जैसे कि आपकी आपने देखा होगा कि हम किसी से अगर ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, बड़े बड़े हॉल्स में होती हैं, स्कूल्स में होती हैं, लाइव और सांसद भवन में होती है, तो वहाँ पे जो ऐसे टेबल पे ये जो ऐसा देखने को आपको मिलता है, ये क्या है? ये माइक्रोफोन है। ये छोटा सा होता है और इसे हम इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और ईज़िली इससे ऑडियो, भले ही ये छोटा होता है लेकिन इसकी ऑडियो लेवल जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। आप अगर इसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या स्पीकर से ऐड कर दे, कनेक्ट कर दे, तो आप इससे अगर आप अपनी कोई भी चीज़ें बोलेंगे तो वो आपको बहुत ही क्लियर और तेज़ सुनाई देगी। वेबकैम, शॉर्ट फॉर वेब कैमरा। इट इज़ अ डिजिटल कैमरा दैट्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। इट कैप्चर्स लाइव पिक्चर्स एंड इमेजेस एंड सेंड टू अनदर लोकेशन थ्रू इंटरनेट। शॉर्ट फॉर वेब कैमरा। वेब कैमरा जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लगा होता है। जब आप इंटरनेट से के थ्रू किसी से वेब चैटिंग करते हैं या आप किसी से वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं तो वेब कैमरे के हेल्प से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, चाहे वो इंसान किसी भी देश में हो या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उससे ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ वेब कैमरा बात कर सकते हैं उन्हें देखते हुए। ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स। ट्रैक बॉल भी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। बार कोड रीडर मशीन।
A barcode reader machine or barcode scanner is an electronic device that can read printed barcode and send information to a computer. बारकोड मशीन एक ऐसी होती है मशीन होती है जो बारकोड्स के नंबर को स्कैन करती है. आप किसी भी मॉल में जाएंगे और कोई भी चीज़ अगर आप परचेज़ करते हैं तो जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक ऐसी मशीन बिलिंग पेमेंट जो आपसे कैशियर्स जो होते हैं वहाँ पर वो बारकोड से आपका जो भी चीज़ आप चाहे वो कोई कपड़ा ख़रीदे हो या कोई चीज़ ख़रीदे हो या खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो एनी थिंग वट एवर यू बाय जो भी आप ख़रीदते हो तो उसमें एक बारकोड होता है. उस बार कोड को स्कैन करने से वो कंप्यूटर पे ऐड होता जाता है. आपने अगर पांच चीज़ें खरीदी हैं तो पांच चीज़ों की एक बार कोड होगी उन चीज़ों में ये बार कोड होगा. उस बार कोड से वो चीज़ें रीड हो जाएंगी और रीड होके वो कंप्यूटर पे ऐड हो जाएगी. सो इट कैन बी ईजी फॉर द मेकिंग बिल. आपका बिल ईजिली इससे बिल काउंट हो जाता है और आपको बिल मिल जाता है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स अ लेंस एंड लाइट स्कैनर ट्रांसलेटिंग ऑप्शनल इम्पल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल वंस. मोस्टली इट इज़ यूज टू इन बैंक टू वेरीफाई सिग्नेचर्स ऑफ कंप्यूटर. इसका यूज़ हम बैंक में भी देखते हैं. बैंक में भी होता है. इससे क्या होता है कि अगर आप बैंक में देखोगे तो इससे क्या होता है जो कस्टमर होते हैं बैंक के जो कंज्यूमर्स होते हैं जो मतलब जिनकी बैंक में अकाउंट होते हैं वो जाते हैं बैंक में और अगर कभी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है सिग्नेचर्स मैच नहीं करते हैं किसी और के अकाउंट का पैसा अगर कोई और निकालने आया तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले सिग्नेचर मैच करें. अगर सिग्नेचर मैच नहीं होती हैं तो वो उन्हें पैसे नहीं देती हैं. तो इस स्कैनर से ये रीड कर देता है कि क्या वो वही राइट पर्सन है जो जिसकी सिग्नेचर पे अकाउंट खुला है उसे ही पैसे मिले हैं. ये बहुत ही हेल्पफुल मशीन होती है. OCR ऑप्शनल कैरेक्टर रीडर. OCR इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन ऑफ इमेज ऑफ टाइप्ड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन्स इनकोडेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. मोस्टली इट इज़ यूज्ड टू चेक OMR ऑप्शनल मार्क रिकॉग्निशंस शीट. OCR एक ऐसा ऑप्शनल करेक्टर रीडर होता है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन की इमेजेस टाइप का रिटर्न आपने देखा होगा या सुना होगा. आपने देखा होगा सुना होगा कि जो आपके कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो कि OMR शीट पे होते हैं. जब आप अपने स्कूल को कंप्लीट करके आप अपने कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपको उसका एंट्रेंस देना पड़ेगा. तो जब आप एंट्रेंस दोगे उसके बाद आप अपने लाइफ में जो भी एग्ज़ाम्स देने जाएंगे आप जो भी एग्ज़ाम दोगे वो आपका OMR शीट पे होगा. ये प्रोसेस है. आप अभी जो एग्ज़ाम्स देते हैं वो आप अपने स्कूल की एक कॉपी पे देते होंगे या पेजेस पे देते हैं. लेकिन जब आप बड़े होंगे आप अपने आगे के कॉम्पिटिशन्स लेवल के एग्ज़ाम्स देंगे तो आप अपना एग्ज़ाम OMR शीट पे देंगे जिसमें एक ब्लैक कलर का डॉट जिसमें 1 2 3 4 ABCD ये सारी चीज़ें रहती हैं. आपका नाम फिल करने के लिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं और गोल गोल से डॉट्स होते हैं. उसको आपको ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से भरना होता है. वो इतनी सारी शीट्स जो होती हैं वो कैसे चेक होंगी. लाखों से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो इस मशीन से ईज़िली क्या हो जाता है उस OMR शीट से आंसर्स और शीट्स के करेक्शंस ईज़िली हो जाते हैं. ओके. MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. MICR is an input device. It is a technology which allows machines to read and process checks number in bank. MICR एक ऐसी input device है जो कि technologies को allow करती है. ऐसी machine है जो कि check numbers को read करती है bank में. Bank में checks आते हैं. ठीक है. ये machine आप देख रहे हैं इसमें checkbook लगी हुई है.
चेकबुक से, चेकबुक की नंबर्स और चेकबुक के जो पेजेस रहते हैं जिसमें सिग्नेचर करके अमाउंट लोग भरते हैं, उसको रीड करती है और रीड करके ही सही अमाउंट और सही पर्सन को मिले इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये मशीन भी बहुत हेल्पफुल होती है। ये सारी मशीन्स हमारे लिए बहुत ही बहुत बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा वह काम करती हैं। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आउटपुट डिवाइसेस, अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस यूज टू सेंड डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर स्क्रीन और एनी अदर इन आउटपुट डिवाइस आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा थ्रू CPU, एग्जाम्पल मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड प्रिंटर्स। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें आउटपुट देती हैं। ये जो है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाती हैं। कोई भी चीज़ अगर आप CPU के थ्रू ये डिवाइसेस आपको कोई भी चीज़ होगी तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती है। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन सॉरी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, जैसे कि मॉनिटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम अपने कौन से टॉपिक को लेंगे, मॉनिटर। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज़ लाइक अ टेलीविज़न। आपने देखा होगा कंप्यूटर मॉनिटर कैसा दिखता है, बिल्कुल आपके घर के टेलीविज़न के जैसा, टीवी के जैसी। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट्स और प्रोसेसिंग डाटा सो वी कॉल इट VDU। ये सारे डिस्प्ले का रिजल्ट हमें दिखाती है। जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, लिखते हैं या गेम्स खेलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें किस पे शो करती हैं, इसी स्क्रीन पे, जिसे हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर। चाहे आप इसे मॉनिटर कहें या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहें, ये दोनों ही इसी के नाम हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, TFT थिन फिल्म ट्रांसिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, CRT कैथोड रे ट्यूब्स। LCD आपके घर में होगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD आजकल हर किसी के घर पे LCD वाली TV है। पतली सी होती है और बहुत ही क्लियर पिक्चर्स शो करती है। मॉनिटर आप सभी के घर पे अगर होगा, नहीं होगा तो आपने स्कूल्स में देखा होगा। मॉनिटर वही है जिस पे आप कोई भी चीज़ अगर टाइप करते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं, पेंट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो उसको डिस्प्ले करता है, दिखाता है। नेक्स्ट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ पेपर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट और ग्राफिक को और कंप्यूटर से ट्रांसफर्स करके एक पेपर पर निकालता है, जो कि हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है। प्लॉटर, द प्लॉटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। इट इज़ अ यूज टू मेक लार्ज साइज ऑफ पेपर प्रिंटिंग लाइक बैनर एंड पोस्टर। ये देखिए प्लॉटर कैसा होता है। प्लॉटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि बड़ी बड़ी साइज़ की प्रिंटर्स को निकालती है, जैसे कि बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स। आप अपने रोड पे निकलते होंगे, कहीं पे भी आप देखते होंगे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, वो भी बहुत ही क्लियर, बहुत ही एक एक चीज़ लिखी हुई क्लियर रहती है, पिक्चर्स क्लियर होती हैं। और बड़े बड़े पोस्टर्स जो रहते हैं वो किससे निकलते हैं, इसी से निकलते हैं, प्लॉटर से। ये एक ऐसी मशीन होती है जो बड़े बड़े पेजेस को निकालती है प्रिंट करके। नाउ नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। स्पीकर एक ऐसी मोस्ट कॉमन डिवाइस है जो कि मोस्टली घरों में कंप्यूटर के साथ होती है। लोग अपने कंप्यूटर के साथ स्पीकर्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं और गेम्स खेलते हैं, तो उसमें साउंड इफेक्ट अच्छा लगता है अगर तेज़ हो तो, इसलिए स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। स्पीकर प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट एंड आउटपुट दैट कैन बी हियर बाय द लिसनर। स्पीकर एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करती है, ऐसी ऑडियो प्रोड्यूस करता है जो कि लिसनर जो होते हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जो लिसनर होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, वो इसे बहुत ही अच्छे से इंजॉय करके सुन सकते हैं। मेमोरी डिवाइसेस, अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी आपके बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह रहती है। आपके ब्रेन में आपकी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। आप बचपन से अब तक जितने भी साल के हुए, आपने इतने सालों में क्या किया,
आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आपने अब तक स्कूलों में क्या क्या सीखा, अपने घरों में आपने क्या अच्छी आदतें सीखी, क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे कहाँ फीड है, हमारे दिमाग में फीड है। ये भी हमारा एक मेमोरी है, मेमोरी समझ लीजिए, आपका दिमाग आपका मेमोरी डिवाइस है, ये आपकी हर चीज़ों को हमेशा याद करके रखता है। आपसे अगर मैं कोई सवाल ऐसे पूछूं जो आपकी अन्य क्लास फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा होगा, मे बी वो आपको याद होगा, तो वो आपकी क्या हो गई, आपकी मेमोरी डिवाइस में फीड है, तो आप उसमें आप इज़िली मुझे बता सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं, हम चाहते हैं अगर इन फ्यूचर उस काम को हम देख सकें, उससे हेल्प ले सकें, तो इसे हमें यूज़ करना होता है एज अ मेमोरी चिप। इसमें हम सारा अपना डाटा, इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें फीड करके सेव कर देते हैं, और जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, हम इसे यूज़ करके अपनी पुरानी चीज़ों को मेमोरी देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड फॉर इंस्ट्रक्शंस, ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकता है कई सालों तक, हमेशा के लिए कहेंगे अगर हम इसे ईजिली अच्छे से रखें तो। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी processed and instructions required for processing is stored. It is made of semiconductor chip. कंप्यूटर मेमोरी जो होती है उस वो इस पर ऐसे स्टोरेज स्पेस, कंप्यूटर पे इतनी स्टोरेज डिवाइसेस, इतनी स्टोरेज स्पेसेस नहीं होती हैं कि हम अपना बहुत सारा वर्क उस पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हम मान लीजिए कभी हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, किसी वजह से उसमें वायरस आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो हमारा डाटा अगर हम कंप्यूटर पर सेव करके रखें तो वो तो हट जाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए हमें अपने डाटास को, अपने इन्फॉर्मेशंस को हमेशा किसी न किसी मेमोरी डिवाइस में रखना चाहिए, इन फ्यूचर वो हमारे काम आए। तो ये ऐसी ही डिवाइसेस है जो हमारे हमेशा काम आती है। नाउ वी हैव गोइंग टू रीड पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो रीड, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेज आर कॉल्ड पेरिफेरल। इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर टेक्स इनपुट डाटा एंड देन प्रोसेसेस ऑन इट एंड गिव्स आउटपुट एज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमसे डाटा लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें उसका इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है। इनपुट यूनिट इज़ यूज टू इंटर डाटा इन अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर को डाटा इंटर करता है। कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर कॉल्ड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को हम वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रिंटर इज़ यूज टू टेक हार्ड कॉपी ऑफ पेपर, प्रिंटर एक प्रिंटर से हम यूज़ कर सकते हैं हार्ड कॉपी ऑफ पेपर। मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, मॉनिटर हमारी आउटपुट को डिस्प्ले करता है जो भी हम कंप्यूटर पे चाहते हैं। सो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज़ कम्प्लीटेड टूडे। आज हमने इसकी रीडिंग कम्प्लीट कर ली है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड अपने एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बार अपने से रीड करिएगा और समझिएगा ये सारे डिवाइसेस कैसी हैं, क्या वर्क करती हैं और कैसी हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, गुड डे।